पता नहीं यार किसका खेत है, किसके खेत में घुसा दिया इसने गाड़ी। कोई भी नहीं है यहाँ पे, इट्स पिन ड्रॉप साइलेंस। ये मंदिर का पीछे का साइड है। चैनल द अनफिल्टर्ड लाइफ ऑफ स्वयं। क्या हुआ, कैसे, कितना दूर से निकल रहा है? वी जस्ट गॉट स्टार्टल्ड बाय अ ट्रक जो हमारे गाड़ी से भी ज्यादा स्पीड में चल रहा है। एनीवेज, दिस इज बैंगलोर और आज हम लोग बैंगलोर के आसपास के और कुछ जगह एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। आज का एंटायर प्लानिंग मयंक ने किया है। आज हमारे जो लिस्ट ऑफ प्लेसेस है वहाँ पे आदि योगी है और उससे पहले कुछ और मंदिर है, बहुत पुराने मंदिर है, तो हम वो भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू एंजॉय आवर ट्रैवल व्लॉग्स। तो आज का हमारा सबसे पहला स्टॉप है श्री भोगा नंदेश्वरा गुडी और अभी हम लोग ऑलमोस्ट 2 बजे व्हाइट फील्ड से निकल रहे हैं। इट्स गोना टेक अस 59 मिनट्स, 51 किलोमीटर्स है। देख के कितना अच्छा लगता है ना, 59 मिनट्स, 51 किलोमीटर्स, वो भी ग्रीन पे। वेदर भी काफ़ी अच्छा है आज तो, और आज मैं और मयंक सिर्फ निकले हैं बच्चों को खाना खा के घर पे छोड़ के। फ्रेंडली रिसॉर्ट है एंड दे हैव रेस्टोरेंट वगैरह, पूल वगैरह, आप जाके डॉग्स आपके पेट्स के साथ खेल सकते हो। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, वही नेक्स्ट टाइम कभी आउटिंग के लिए आएंगे, बट जस्ट फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को बोल रही हूँ। आज तो हम लोग गए नहीं, कभी और जाएंगे, पर इफ़ यू गाइज वॉन्ट यू कैन गो। द नेम ऑफ द रिसॉर्ट इज ग्रैंड पॉर रिसॉर्ट।
बहुत ही ब्यूटीफुल सा टेम्पल था एंड इट डेट्स बैक टू 9th century. उसमें लिखा हुआ था कि जो चोला डायनेस्टी और वो सब टाइम के जो राजाए थे दे हैव एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड दिस टेम्पल. और इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेविडियन आर्किटेक्चर है जो हम साधन इंडिया में देखते हैं. इट्स सो नाइस टू लुक एट. एंड अभी माइक ने कुछ और ऐसे हिस्टोरिक जगह ढूंढा है तो लेट्स गो एंड हैव अ लुक एट दैट एज वेल. अभी नेक्स्ट स्टॉप है कांदावाड़ा लेक. नाम उसका ऐसा कांदावाड़ा लिखा हुआ था. आई नो इट्स नॉट कांदावाड़ा, इट्स कांदाबड़े लेक समथिंग कुछ तो नाम है. यहाँ से जगह किया हुआ है स्टेयर्स ऊपर जाने के लिए. तो अभी हम लोग ऊपर जाके व्यू लेने वाले हैं कि कैसा दिख रहा है. गूगल माते हमें ऑफ रोडिंग करवा रही है 800 cc के गाड़ी में. यहाँ पे दोनों साइड पे मैरीगोल्ड फार्म है. मतलब ये इस साइड में ये गेंदे का फूल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पूजा के लिए, और घर पे कुछ भी त्यौहार होता है तो यहाँ गेंदे का फूल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. हर जगह होता है पर यहाँ पे मैंने एक्सक्लूसिवली ज़्यादा देखा है. तो ये दोनों साइड, एक तो छोटे छोटे रेड कलर वाले रोजेस जो हर जगह मिलता है वो है, और मैरीगोल्ड वाला फार्म भी है. स्टार बाजार में रहता है पूरा बास्केट भर के रेड रोजेस. ये वो रेड रोजेस है इस साइड. ऑलमोस्ट पहुंच गए हम रंगनाथ स्वामी टेम्पल इज द नेम ऑफ द प्लेस. और एक गांव क्रॉस करके बहुत अंदर अंदर जाके थोड़ा सा है ये. देखो मंकू तुम बाहर ठेले में क्या कर रहे हो. हम लोग ये टेम्पल के अंदर घुसे हैं और कोई भी नहीं है यहाँ पे. इट्स पिन ड्रॉप साइलेंस. ये मंदिर का पीछे का साइड है. इस तरफ विष्णु जी का टेम्पल है ये. प्रसाद भी मिल गया हमें यहाँ पे आके. इतना सुंदर टेम्पल है पर ज़्यादा वीडियो नहीं निकाल पा रहे क्योंकि बहुत सारे मंकीज हैं यहाँ पे. ऐसा लग रहा है कि मैं फ़ोन निकाल के वीडियो निकालूँ तो मेरा फ़ोन लेके भागेंगे ये लोग. ये टेम्पल भी 9th या 10th centuries का बना हुआ है पर काफ़ी वेल मेंटेन्ड है और बहुत कम टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे. और इतने सारे मंकीज़ हैं यहाँ पे. पहले तो मुझे जाने में डर लग रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो क्या करके से सामने आ जाएंगे. मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है ऐसा, पर ठीक है ऐसा कुछ नहीं हुआ. बेचारे दो डॉग्स हैं अंदर जो इतने सारे मंकीज़ के बीच में लेफ्ट आउट फील करते हैं. और मेरे को बहुत सारे वीडियोस निकालना था पर मैं फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे थे हम लोग क्योंकि ऐसा लग रहा था हम पॉकेट से फ़ोन या गोप्रो निकालूंगी तो ऐसे स्विंग करके लेके भाग जाएंगे ये लोग. प्रसाद भी अंदर ही खाया. तो पूरे मंदिर के साथ में ना पूरा जाली बना के रखा है ताकि वो जो मंकीज़ है वो मंदिर के अंदर घुस ना पाए. वो
गाड़ी पे, गाड़ी के अंदर, अरे हाँ गाड़ी के, ये देखो सामने वाले गाड़ी में वो गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है। ये गूगल माते ना कहाँ कहाँ से लेके जाती है यार। पूरे खेत के अंदर से लेके जा रही है। जगह नहीं है ये गूगल माते, पता नहीं किधर से लेके जा रही है। पत्थर वत्थर सब देख लो भाई, जगह है नहीं, पता नहीं। चलो आ जाओ, आ जाओ। जाएगी बस, ज्यादा जगह नहीं है, थोड़ा सा है, गाड़ी घूमेगा नहीं। पर या पता नहीं यार किसका खेत है, किसके खेत में घुसा दिया इसने गाड़ी। रुको रुको, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस कॉन्फिडेंस देख रहे हो मयंक बाबू का। भाई 800 सीसी का गाड़ी का ये हाल किया है, थार वार हाथ में आ जाए तो बस हो गया, फिर तो बस 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 तो मेरा बीपी हाई हो जाता है। ये वीडियो मैं भेजूंगी रेनॉल्ड क्विट को और बोलूंगी कि ये सब करने के लिए तुम मयंक को अवार्ड दो। कुछ भी बताती है गूगल। हम लोग सिलीगुड़ी में थे और घर के मतलब मेरे होम टाउन के पास, तो वहाँ पे हम लोग घूमने निकले थे और वो बोल रही है कि एक रिवर है, रिवर के ऊपर से गाड़ी लेके चले जाओ। फाइनली वी आर ऑन आवर वे टू आदियोगी और ये यहाँ का एंट्री है एंड वी आर जस्ट एंट्रिंग हियर नाउ। शांत और इतना पीसफुल जगह है। काफ़ी देर तक हम लोग बस चुपचाप बैठे हुए थे एंजॉइंग द एम्बियंस और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, 7 बजने वाले थोड़ी देर में, तो वी विल एंजॉय द लाइट एंड साउंड। दिस इज सो प्रिटी।
Oh,
इतना मज़ा आया लाउड एंड लाइट शो में, सो ब्यूटीफुल एकदम। आई होप आप लोगों को भी देख के बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपको पूरा ये चीज़ देखना है, एक्सपीरियंस करना है, तो आप लोग इधर आके देखना, क्योंकि वीडियो में उतना फील नहीं आता है जितना लाइव में आता है, लाइव शो देखने में आता है। अभी हम लोग यही पे, इसके अंदर ही रेस्टोरेंट है। हमें लगा था अच्छा वाला चाय होगा, पर ये मशीन वाला चाय है। डोसा में टेस्ट है, पर डोसा काफ़ी मोटा है, पराठा जैसा है। ये देखो, ये आदि योगी मिल रहा है 1,75,000 का। यहाँ पे इनका जो गिफ्ट शॉप है, वहाँ पे यू विल गेट ऑल दिस थिंग्स। बहुत ही सुंदर है, तो प्राइस भी बहुत सुंदर है, पर है सुंदर। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है अभी, तो हम लोग आदि योगी से निकले हैं, और इट विल टेक अस अराउंड 1 hour 24 minutes, 69 किलोमीटर्स हैं टू रीच टिल आवर होम बैंगलोर में। तो लेट्स गो। बहुत मज़ा आया हमें आज एक्सप्लोर करने में। आपको भी अगर वीडियो देख के मज़ा आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। क्या बनाया है भाई? ये फिर से कोई ऑफ रोड वाले जगह से गूगल हमें लेके जा रही है। यहाँ पे हम लोग देखे कि बहुत सारा हनी फार्मिंग हो रहा है, और काफ़ी ऑफ रोड टाइप का है, मतलब कच्चे रोड पे मिट्टी डाल दिया है उसको प्लेन करने के लिए। और हमारे आगे जो गाड़ियाँ जा रही हैं, हम लोग उसके पीछे पीछे निकल रहे थे, क्योंकि रोड बहुत अंधेरा था। अभी यहाँ पे आके पूरा गांव-गांव एरिया दिख रहा है। तो जो गांव के अंदर से पहले रोड थी, वो गांव के अंदर से रोड अभी बंद कर दी, तो अभी बाहर से निकाली है। पहुँच गए हैं हम लोग घर। इट्स अबाउट 10 o'clock राइट नाउ। अभी घर जाके खाना खा के सो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। इफ़ यू एंजॉय दिस, प्लीज़ सब्सक्राइब। विल सी यू गाइज इन अवर नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, बाय।